हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको श्रुतिस क्रिएटिव किचन एंड ब्लॉग को वेलकम है। आज मैं आप सबको चॉकलेट स्पॉन्ज के साथ टॉफल केक देखेंगे। चॉकलेट टॉफल केक कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। ये मेरे पास चॉकलेट स्पॉन्ज है, देखिए इसको हम कट करेंगे दो लेयर या तीन लेयर में, आपकी मर्जी, जो भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने थ्री लेयर से कट कर दिया है। अभी हम इसको पानी से सोक करेंगे, नॉर्मल पानी है, इसको अच्छे से सोक कर। ये देखिए, ये मेरे पास टॉफल है, चॉकलेट टॉफल। चॉकलेट टॉफल को कुछ नहीं करना है, आपको गार्निश रेडी करना है, जो कि रात में उसको सुबह तक छोड़ देना है। उसके बाद इसको अच्छे से बेट कर लेना है। ये मेरा देखिए टॉफल रेडी हो गया है। अब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। प्योर चॉकलेट है, चॉकलेट केक के साथ चॉकलेट टॉफल बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। अब जरूर ट्राई कीजिएगा घर पर। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए अच्छे से आप इसके ऊपर चॉकलेट को लेयर कर दीजिएगा। फिर हम दूसरा लेयर करेंगे, फिर तीसरा लेयर करेंगे, ऐसे ही चॉकलेट पूरा भर देंगे अंदर। ये देखिए, ये मेरा सेकेंड लेयर भी हो गया है। अब हम थर्ड लेयरिंग करेंगे। ये मेरा हो गया, अब थर्ड लेयरिंग करेंगे। इसको पानी से सोख कर दे दीजिए, चेक करना कैसे है आपको पता है। तो अब हम इसके ऊपर भी चॉकलेट डालेंगे। चॉकलेट ध्यान से डालिएगा क्योंकि वो स्पॉन्ज का जो ये है आ जाएगा, इसके साथ लग जाएगा, इसलिए ध्यान से कीजिएगा ताकि जो क्रम है वो नाइफ में ना लगे, नहीं तो बहुत खराब दिखेगा। देख पा रहे हैं क्रम ऊपर आ जा रहा है, इसीलिए अब ध्यान से नाइफ को पकड़ के आराम से स्लोली कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नाइफ को गर्म पानी से थोड़ा डुबा के तो फिर कीजिएगा। ऐसे करने से जो क्रम है वो नाइफ के साथ नहीं आएगा और हमारा जो केक है गंदा भी नहीं होगा। देखिए मेरा हो गया। अब हम क्रम कोट करेंगे, साइड में भी चॉकलेट लगाएंगे, अच्छे से लगा लेंगे साइड में चॉकलेट। हमारा अच्छे से क्रम कोट कर लेंगे चॉकलेट से पूरा। जो चॉकलेट लवर्स है उनके लिए एक केक पूरा परफेक्ट है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा ट्रफल केक। ट्रफल केक खाने में बहुत टेस्टी है। देखिए मेरा क्रम कोट हो गया। चॉकलेट पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप ध्यान से कीजिएगा, नीट एंड क्लीनली कीजिएगा। देखिए ये मेरा क्रम कोट हो गया है। अब हम इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में स्टोर करेंगे। ये मेरा फ्रिज से देखिए स्टोर कर लिया था आधा घंटा टॉफल को। ये मेरा देखिए हो गया। आप चाहे तो इसके ऊपर क्रीम कोटिंग कर सकते हैं, चॉकलेट कोटिंग कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी आप कर सकते हैं, या तो ऐसे ही इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके ट्राई कर सकते हैं। जरूर बनाएगा। Thank you for watching.